आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फोन पे ऐप का फुल यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि फोन पे ऐप में अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट लिंक करके पैसे ट्रांसफर करना, मोबाइल रिचार्ज करना, यूपीआई पिन बनाना, सारी चीज़ें बताऊंगा, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना, स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें। आपने यदि इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप फोनपे का यूज करना सीख जाएंगे। और एक और दिक्कत लोगों के पास क्या होती है कि उनके पास अपना एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड नहीं होता, तो वो लोग फोनपे का यूज कैसे कर सकते हैं सिर्फ अपने आधार कार्ड से। तो इस वीडियो में मैं सारी प्रोसेस बताऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको कोई भी वीडियो और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फोनपे के मास्टर बन जाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है फोनपे ऐप का, आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है और फिर फोनपे को डाउनलोड कर लेना है। और फोनपे को डाउनलोड करके यहाँ पे फोनपे को ओपन कर लेना है। फिर अब यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो वो वाला मोबाइल नंबर। भले ही आपके पास उस बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड ना हो तब भी आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे, सिर्फ आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उससे जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पे डालेंगे आप और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड करके उसको ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा और यहाँ पे आपसे जो भी परमिशंस मांगता है ये आप उन्हें अलाउ कर दें। और जैसे ही आप अलाउ कर देंगे अब यहाँ पे फोन पे में आपका अकाउंट बन जाएगा। एक बार और अलाउ कर दें आप यहाँ पे, और जैसे ही अलाउ करेंगे अब यहाँ पे यदि आपसे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कहता है तो आप स्किप कर दें, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा बैंक अकाउंट ऐड करने का तरीका। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट बन गया है फोनपे ऐप में सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे फोनपे के साथ में, राइट। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐड बैंक अकाउंट या ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो आपको उस बैंक पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यदि आपको बैंक नहीं दिखता है तो आप बैंक का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है यानी कि SBI में, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये SMS सेंड करके वेरीफाई करता है बैंक को, तो हमारा ये जो मोबाइल नंबर है ये चालू होना चाहिए, इस पर रिचार्ज वगैरह होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मोबाइल नंबर बंद पड़ा हो, उस पर रिचार्ज वगैरह ना हो, फिर ये OTP सेंड करके वेरीफाई नहीं कर पाएगा। और जैसे ही ये वेरीफाई कर लेगा तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल आपको दिखा देगा, जैसे अकाउंट नंबर, पीछे के अकाउंट के 4 अंक और यहाँ पे IFSC कोड वगैरह, आपका नाम, ब्रांच, सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिक फाइंड कर लेता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे एक सेट UPI पिन का ऑप्शन मिलेगा। यदि सेट UPI पिन का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको तो आपको रीसेट UPI पिन का ऑप्शन मिलेगा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले आप यहाँ पे सिंपल सा इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको बता दूं यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहले हमारे पास ऑप्शन है ATM कार्ड डेबिट कार्ड का। आज से कुछ टाइम पहले ATM कार्ड डेबिट कार्ड का ही ऑप्शन रहता था। यदि हमारे पास इस बैंक अकाउंट का ATM कार्ड डेबिट कार्ड नहीं होता था तो हम यूज नहीं कर पाते थे फोनपे का, लेकिन अभी एक नया अपडेट आया है तो उसके थ्रू आप अपने आधार कार्ड से भी फोनपे का यूज कर सकते हैं, आपके पास ATM कार्ड डेबिट कार्ड ना हो तब भी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे सामने। अब यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन बता देता हूँ, पहले ATM डेबिट कार्ड वाला, उसके बाद मैं आधार कार्ड वाला बताऊंगा। तो ATM डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने ATM कार्ड के लास्ट के 6 अंक डालने हैं। जैसे ही लास्ट के 6 अंक डालेंगे यहाँ पे ATM कार्ड की एक्सपायरी डालनी है मंथ में और ईयर में, यानी कि वैलिडिटी, ये कार्ड के ऊपर लिखी रहती है ये चीजें, राइट, आप देखेंगे तो मिल जाएंगी। उसके बाद में आप जैसे ही यहाँ पे तीर का निशान मिलेगा फिर आपको, और आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको अपना पिन डालना पड़ेगा, ATM का पिन। जब आप पैसे निकालने जाते हैं तब वो पिन डालते हैं, वो पिन डालेंगे आप। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP डाल देंगे, OTP या ऑटोमेटिक ले लेगा ये। इसके बाद में आपके सामने पिन बनाने के लिए आ जाएगा। ये एक ऑप्शन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा आधार कार्ड वाला। आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे इस वाले ऑप्शन में और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे मोबाइल नंबर को, सॉरी, यहाँ पे ये हमारे आधार कार्ड को वेरीफाई करता है। तो उसके लिए हमारे आधार कार्ड के आगे के 6 अंक डालने हैं हमको यहाँ पे, आधार कार्ड के आगे के फर्स्ट 6 डिजिट, और उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अलाउ करना है, जो भी हमसे ये परमिशंस मांगता है आप अलाउ अलाउ करते जाएं। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे OTP सेंड करेगा ये, उस वाले मोबाइल नंबर पे OTP सेंड करेगा जो यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं, यदि आप आधार कार्ड से यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर आपको अपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है और आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो सेम होना चाहिए, एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके आधार कार्ड में कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक हो और आपके इस वाले बैंक अकाउंट में जिसको आप लिंक कर रहे हैं उसमें कोई अलग वाला मोबाइल नंबर लिंक हो, तो फिर ये प्रोसेस नहीं करेगा। एक ही मोबाइल नंबर दोनों में लिंक होना चाहिए और उसी नंबर से आप यहाँ पे अकाउंट बनाए फोनपे में।
तब यहाँ पे ये प्रोसेस होगी और यहाँ पे आप OTP डालेंगे, आपके नंबर पे जाएगा या OTP ये ऑटोमेटिक ले लेता है और राइट के साइन पे क्लिक कर देंगे। ये आपके यदि आपके पास ATM कार्ड डेबिट कार्ड है तो फिर आप उससे भी कर सकते हैं, उसमें आपका बैंक अकाउंट से अलग मोबाइल नंबर लिंक हो, आधार कार्ड से अलग मोबाइल नंबर लिंक हो, फिर उसमें चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधार कार्ड से आप प्रोसेस करेंगे तो दोनों में एक ही होना चाहिए। यहाँ पे हम OTP डाल के राइट के साइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक और OTP जाएगा हमारे नंबर पे, ये हमारे बैंक की तरफ से आएगा, वो OTP भी हम यहाँ पे डाल देंगे या कई बार OTP ये ऑटोमेटिक भी ले लेता है। इसके बाद में हम राइट के साइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा सेट 6 डिजिट UPI पिन, हमारे सामने UPI पिन बनाने को आ जाएगा। किसी किसी बैंक में ये 4 अंक का रहता है, किसी किसी बैंक में ये 6 अंक का रहता है। जैसे हमारा SBI का अकाउंट है, इसमें ये 6 अंक का बनेगा, तो हम यहाँ पे 6 अंक डाल देते हैं जो भी हमको याद रहे, क्योंकि इन्हीं जो हम यहाँ पे ये डिजिट डाल रहे हैं, ये अंक डाल रहे हैं, इन्हीं से पेमेंट होगा हमारा कहीं पर भी। राइट के साइन पे क्लिक करेंगे, दोबारा वही अक्षर डालेंगे जो अभी हमने डाले थे और यहाँ पे दोबारा राइट के साइन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ये इतनी प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे हमारा UPI पिन बन जाएगा और यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे तैयार हैं किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए, QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए। हमारा बैंक बैलेंस भी अब हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस चेक करने के लिए आपको चेक बैंक बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे बैंक पे क्लिक करना है और हमने जो अभी UPI पिन बनाया था वो अपना आप UPI पिन डालेंगे और राइट के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस आपके सामने आ जाएगा, अकाउंट में आपका कितना पैसा है। इस टाइप से आपका अकाउंट बैलेंस आपके सामने आ जाएगा जो भी होगा। अब यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देते हैं, हमने देख लिया है। अब हम यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले पैसे ट्रांसफर करने की आपके सामने कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है हमको 2 मोबाइल नंबर का, इस वाले ऑप्शन से हम किसी के मोबाइल नंबर पे पैसा सेंड कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति कहते हैं, आपने सुना होगा कि मेरे नंबर पे फोन पे कर दे तू, उस टाइप से हम किसी के भी नंबर पे फोन पे कर सकते हैं पैसे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर डालेंगे जिस नंबर पे हम पैसा सेंड करना चाहते हैं। यदि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर सेव है तो आप कॉन्टैक्ट से भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नंबर सेव है, हम उससे कॉन्टैक्ट से नंबर ले लेते हैं और जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब जैसे ही ऐसा इंटरफेस आए, यहाँ पे अब आपको पैसे टाइप करने हैं कि आप कितने रुपए सेंड कर रहे हैं। जैसे हम इस व्यक्ति को यहाँ पे 10 रुपए सेंड कर रहे हैं, 10 रुपए टाइप करेंगे। मैं आपको दिखाने के लिए एग्जांपल के लिए 10 रुपए लिख रहा हूँ। आप 1,000, 10,000, 50,000 जितना करना चाहते हैं आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का वेरीफाइड नाम भी दिखेगा कि उस व्यक्ति के अकाउंट में उसका क्या नाम है। तो आपको यहाँ पे एक वेरीफाइड नाम जरूर से चेक करना है आप किसी को यदि पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये चीज़ें देख लेंगे। इसके बाद में यदि हो सकता है ये आपसे कोई एक कंटिन्यू का ऑप्शन भी मांगता है कभी कभी, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक भी करना रहता है। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब हम अपना UPI पिन डालेंगे जो अभी हमने बनाया था कुछ टाइम पहले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 अंक का हम जो UPI पिन बना रहे हैं ये आपको याद रखना है, तो वही UPI पिन हम यहाँ पे डालेंगे। और UPI पिन डाल के, जैसे हमने UPI पिन डाला, UPI पिन डाल के यहाँ पे राइट के साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हमारे 10 रुपये इस व्यक्ति को सेंड हो गए हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बैक जाएंगे। अब आपके सामने पैसा सेंड करने का दूसरा ऑप्शन आ जाता है, वो है टू बैंक UPI ID। कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं फोनपे गूगल पे यूज़ नहीं करता, आप डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा सेंड कीजिए, तो फिर उस केस में आपको टू बैंक पे क्लिक करना है और आपको उस व्यक्ति की अकाउंट डिटेल ले लेनी है, जैसे कि उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर वगैरह ये चीज़। अब यहाँ पे आप ऐड रेसिपिएंट बैंक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे उस व्यक्ति का जिस भी अकाउंट, जिस भी बैंक में अकाउंट है उस व्यक्ति का, आप उस पे यहाँ पे क्लिक कर दें। यदि नहीं दिखता है तो सर्च कर लें। जैसे हम जिस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसका HDFC बैंक में अकाउंट है, तो HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे उस व्यक्ति का और अकाउंट नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये कन्फर्म अकाउंट नंबर पूछेगा, तो यही अकाउंट नंबर दोबारा डाल देंगे आप। उसके बाद में फिर जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो फिर आपको पैसे डालने रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोसेस बताई आपको पैसे डालने की, उसी टाइप से आप पैसे डालेंगे और फिर अपना UPI पिन डालेंगे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पेमेंट किया, सेम ऐसी ही प्रोसेस होगी इसके बाद में। अब मैं आपको हर प्रोसेस करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप खुद से भी समझ जाएं चीज़ें। अकाउंट नंबर डाल के आप जैसे ही करेंगे यहाँ पे UPI पिन डालेंगे तो आपका उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा सेंड हो जाएगा, राइट। इसके बाद में आपको यहाँ पे टू सेल्फ अकाउंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यदि आपके दो बैंक अकाउंट हैं और आपने दोनों बैंक अकाउंट यहाँ पे फोनपे में ऐड कर रखे हैं, तो आप यहाँ पे दो बैंक अकाउंट से अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा सेंड कर सकते हैं। लेकिन आपके दोनों बैंक अकाउंट से आपका एक ही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिससे हमने फोनपे बनाया है।
तो आप अपने दोनों बैंक अकाउंट को लिंक करके यहाँ पे एड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके लिंक कर लेंगे आप दोनों अकाउंट को और एक से दूसरे में पैसा सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे, मेरे पास एक ही अकाउंट लिंक है तो मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस करके नहीं दिखा सकता। यदि आपके दो अकाउंट होंगे तो आप यहाँ पे दोनों ऐड करके सिंपल सी प्रोसेस रहती है। आप जिस भी अकाउंट में करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके और अपने अकाउंट की डिटेल डाल के और आप यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बैलेंस चेक करना बता ही दिया। साथ ही साथ आप किसी शॉप पर यदि कोई सामान खरीदते हैं, आप कहीं से कुछ खा पी लेते हैं, तो आप कहीं पर पेमेंट करते रहते हैं दुकानों पर QR कोड स्कैन करके लोग, तो वो कैसे करते हैं आप? उसके लिए ऊपर आपको एक QR का ऑप्शन दिखेगा, QR कोड जैसा आइकॉन दिखेगा। आप QR कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब आपको यहाँ पे QR कोड को स्कैन कर लेना है इसके सामने लाके, या आपकी गैलरी में आपके मोबाइल में पहले से कोई QR कोड का फोटो डाला हुआ है या स्क्रीनशॉट डाला हुआ है तो आप उस पर भी पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करके QR कोड ले सकते हैं कोई भी। तो हमारे पास यहाँ पे अभी कोई QR कोड है नहीं फिलहाल में उपलब्ध, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ प्रोसेस। तो उस केस में आपको यहाँ पे QR कोड स्कैन करना है। QR कोड स्कैन करके आपको पैसे टाइप करने हैं कि आप कितने रुपए सेंड करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको अपना UPI पिन टाइप कर देना है और आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्रांजेक्शन में बताया, उसी टाइप से सेम प्रोसेस रहती है, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, राइट? अब यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें सीख गए करना। इसके बाद में जैसे आपको मोबाइल रिचार्ज करना है यदि फ़ोन पे से, तो आपको यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करेंगे जैसे ही यहाँ पे, अब आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे जिस पे आप रिचार्ज करना चाहते हैं, या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर सेव है तो आप कॉन्टैक्ट से भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे नाम सर्च करके उस व्यक्ति का। तो हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं रिचार्ज करने के लिए। जैसे ही नंबर ले लेंगे, ये आपका ऑपरेटर कि आपकी कौन सी कंपनी की सिम है और कौन सी स्टेट की सिम है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। यदि ये सिलेक्ट नहीं करता है तो आप अपने हाथ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्मार्टफोन के प्लान देखना चाहते हैं तो स्मार्टफोन पे प्लान पे क्लिक करेंगे। कुछ पॉपुलर प्लान हैं, इनको भी हम देख सकते हैं। यदि आप ओनली डाटा से रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डाटा वाले प्लान यहाँ पे आ जाएंगे आपको। तो हम अपने स्मार्टफोन का ही रिचार्ज कर रहे हैं तो स्मार्टफोन के प्लान काफ़ी सारे हमारे सामने आ जाएंगे। अभी एक प्लान दिख रहा है हमको, न्यू प्लान ट्रेंडिंग, 299 रुपये का प्लान है ये। 299 से हमको पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें 1.5 GB डाटा हमको पर डे मिलेगा, 28 दिन वैलिडिटी रहेगी, वॉइस कॉल अनलिमिटेड रहेंगी, 100 SMS पर डे रहेंगे इसमें। इसकी सारी डिटेल हम देख लेंगे, इसके बाद में इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके यहाँ पे अब हम एक बार और पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे UPI पिन डालेंगे, जो हमारा UPI पिन है और हमने जो बनाया था अभी, और UPI पिन डाल के राइट के साइन पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही होगी कि हम यहाँ पे 299 का रिचार्ज कर रहे हैं लेकिन 302 रुपये क्यों कट रहे हैं। तो ये फ़ोनपे ऐप प्लेटफॉर्म फीस लेता है 2-3 रुपये आपसे, तो वो प्लेटफॉर्म फीस भी आपको इंक्लूड करके देनी पड़ती है। तो इस टाइप से आप फ़ोनपे का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे ही हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपकी सारी हिस्ट्री आ जाती है कि आपने किसको कितने रुपए सेंड किए और किस व्यक्ति ने आपको कितने रुपए सेंड किए, कब सेंड किए, राइट? तो ये सारी डिटेल आ जाती है, कौन से नंबर से सेंड किए। तो आप ये डिटेल यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? तो इस टाइप से आप फोनपे का यूज कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस बता दी मैंने आपको, कंप्लीट डेमो दे दिया। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। और यदि आपने अभी तक फोनपे डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप फोनपे डाउनलोड कर लें और उसके बाद में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। यदि आपकी कुछ वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।